इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कई दिनों से जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे सऊद अंसारी पत्रकार ने आज आखिर दम तोड़ दिया। बता दें, पिपरी कौशाम्बी के रहने वाले पत्रकार सऊद अंसारी प्रयागराज में रहकर टीवी चैनल के लिए पत्रकारिता करते थे। अपने गांव में खेती करने के समय कुछ दबंगों ने, अतीक अहमद के गुर्गों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे गंभीर रूप से घायल हुए थे। जिसके बाद उनको गंभीर चोट आने के कारण उनको SRN रेफर किया गया था, वहीं देर रात उनकी मौत हो गई। ऐसे में उनके भाई ने अब योगी सरकार से मदद की गुहार लगाई अपराधियों के खिलाफ, और क्या कुछ कहा आइए दिखाते हैं। क्या कहेंगे, आज उनकी डेथ हो गई सऊद अंसारी की। मोहम्मद सऊद अंसारी की डेथ हो गई भाई साहब, अब क्या बताएं। हमको पुलिस बल द्वारा कब्जा दिलाया, ये भूमाफिया जो विधायक राजू पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी मुस्तहसन है, अतीक अहमद का खास आदमी गुर्गा, ये सब उसी के लोग हैं और उसी के इशारे पे, मुस्तहसन के इशारे पे हत्या हुई है और ये सब उसी में सब लोग हैं। इन लोगों ने एक पत्रकार की जबरियां जान ले लिया और हमारी बैनामा शुदा ज़मीन पर जबरियां कब्जा की। योगी जी से मेरा अनुरोध है कि जैसे आम लोगों का घर गिराया गया, आम गुंडों का घर गिराया गया, वैसे ही इस गुंडे का भी घर गिराया जाए, और जिससे हम मतलब मोहम्मद सऊद की अंसारी की आत्मा को सुकून मिले। क्या नाम आपका? मेरा नाम सरफराज अहमद है, मैं सऊद अंसारी का बड़ा भाई हूँ। जब योगी से जहाँ OP राजभर ने मुलाकात की, जिसके बाद अब राजनीति गलियारों में चर्चाएं तेज़ हो गई। 2024 के चुनाव को लेकर इसे जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं अब जब शहर उत्तरी से BJP विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी पर इस पर बात की गई, तो उन्होंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, और साथ ही उन्होंने बड़ा बयान देते हुए क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। ये होता है ना, कहते हैं कि जब बोट डूबने लगती है तो सब लोग उससे कूदने लगते हैं, कहा जाता है ना। तो सबको समझ में आ रहा है कि अखिलेश जी का और भाजपा के खिलाफ जितनी भी ताकतें हैं सब डिवाइडेड हैं, कोई कुछ हम लोग का कुछ मोर्चा नहीं ले पा रहा है। तो इसलिए सब जो है समझ रहे हैं कि जैसे राजभर जी ने इस बात को समझा कि बैकवर्ड समाज का पिछड़ा जो वर्ग है, दलित वर्ग है, राजभर वर्ग जो है जिसका वो नेतृत्व करते हैं, वो उनका हित जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा मतों के साथ जो है सांसद देने जा रही है उत्तर प्रदेश से योगी जी के नेतृत्व में, और यूपी के बल पे नरेंद्र मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। OP राजभर जी पूर्वांचल के जो वो पूरी बेल्ट है, मऊ के आसपास की जो पूरी राजभर बेल्ट है, उसके वो नेता हैं, अच्छे नेता हैं, ज़मीनी नेता हैं, संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं, पार्टी उन्होंने बनाई है। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बीच बीच में और इधर उधर चले जाते हैं। तरफ तो ये ज़रूर कहूँगा भाई, वो मुझसे बहुत बड़े नेता हैं, तो इसलिए मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब इस बात को समझें। और बचपना दिखाते हुए रूठ के इधर चले जाना उधर चले जाना ये उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, देश का भविष्य भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पूरा विश्व इस बात को मान रहा, चाहे ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की बात देख लीजिए, वो कह रहे हैं आई एम बॉस, पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर पैर छू के आशीर्वाद ले रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है कि जो है नरेंद्र मोदी ने देश को नई बुलंदियों तक पहुँचाया है। मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि 10 साल के अंदर में भारत बदल गया है। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही भारत का भविष्य है, और OP राजभर जी इस बात को समझ गए हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इसको समझे रहें तो उनका स्वागत है मेरे हिसाब से। संगम नगरी प्रयागराज के चंद्रशेखर शहीद आज़ाद पार्क में जहां लाखों रुपए से जॉगिंग ट्रैक बनवाया गया था साल 2014-15 में, मगर अब ये जॉगिंग ट्रैक खस्ता हाल हो चुके हैं। बता दें, जॉगिंग ट्रैक पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, यहाँ जॉगिंग करने वाले लोग सुबह शाम आते हैं, मगर कई बार लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, जिसके कारण अभी तक ये जॉगिंग ट्रैक नहीं बन चुका पाया है। और ऐसे में ये लाखों रुपए से बना सिंथेटिक जॉगिंग ट्रैक अब पूरी तरह से खस्ता हाल है। यहीं मदन मोहन मालवीय स्टेडियम है, यहाँ पर खिलाड़ी भी इस ट्रैक पर रोज़ दौड़ लगाते हैं, मगर कहीं ना कहीं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं पब्लिक वाइब ने जब यहाँ एक खिलाड़ी से बात की तो क्या कुछ कहना था उसका इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। भर जाता है इसमें तो पैर फिसलने का चांस रहता है, और सर
पैर मोचने वोचने का चांस रहता है, जैसे किसी गिर गया बुजुर्ग लोग वॉक करते रहते हैं गिर जाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज जहां गर्मी में कई बार कई प्रकार की समस्या होती है, मगर गर्मी के कारण मानसिक रोग से ग्रसित लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में डॉक्टर ईशान्या राज का क्या कुछ कहना है इस मामले पे, किस तरह से गर्मी के कारण समस्या उत्पन्न होती है और किस कारण लोगों में गर्मी में बेचैनी बढ़ती है, क्योंकि ठंडी में जहाँ मानसिक रोग से ग्रसित लोग सुस्त पड़ जाते हैं, मगर गर्मी में तापमान ज़्यादा होने के कारण इनमें बेचैनी बढ़ती है। ऐसे में इन्हों को किस तरह से धूप से बचना चाहिए और गर्मी में किस तरह से अपने आहार लेना चाहिए और किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए। वहीं डॉक्टर के अनुसार लोगों को अपने आप को हाइड्रेट भी रखना चाहिए। अभी भी मौसम बदलता है तो लोगों के मन और मिजाज में भी बदलाव आता है। आप देखेंगे जब ठंड का मौसम होता है तो व्यक्ति जो है वो बहुत लो हो जाता है, उदास हो जाता है, क्योंकि गतिविधियां बहुत कम हो जाती हैं। उसी तरीके से जब गर्मी का मौसम आता है तो जो मानसिक परेशानी के शिकार लोग होते हैं ज़्यादातर, उनके शरीर में बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है। वो तेज़ी इसलिए भी होती है क्योंकि बाहर का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और अंदर से व्यक्ति जो है वो तापमान के कारण बेचैन भी हो जाता है। तो आंतरिक और बाहरी दोनों गतिविधियां ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे समय में चाहिए कि सबसे पहले व्यक्ति जो है वो अपने आप को हाइड्रेटेड रखे, यानी पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहे। अगर वो धूप में निकल रहा है चश्मे का इस्तेमाल करे, छतरी का इस्तेमाल करे और पानी का बॉटल लेकर के जाए। अगर वो दवाइयाँ खा रहा है, जो भी मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति है, तो दवाइयाँ उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। ज़्यादा झंझट वाली बातों से, गुस्से, परेशानी, चिड़चिड़ापन वाली चीज़ों से वो दूर रहे। और जब भी लगता है कि मन मिजाज ऊपर की तरफ जा रहा है, बेचैनी की तरफ जा रहा है, वो अपने नज़दीकी जिला अस्पताल में मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक से सलाह ले ले। नगरी प्रयागराज के जिला पंचायत सभागार में आयोजित पर्यटन विभाग जन जन के राम थीम पर आधारित रामायण कॉन्क्लेव कार्यक्रम का आयोजित किया गया था, जिसमें रामायण चित्रकला प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन जगत गुरु रामानाचार्य श्रीधराचार्य जी महाराज पीठाधीश्वर वैकुंठ धाम द्वारा किया गया था। ऐसे में यहाँ मुस्लिम समुदाय की आई युवती ने भी चित्रकला बनाई थी, जहाँ राम के वनवास के दौरान सीता जी के अपहरण पर ये पूरी चित्रकला बनाई गई थी। ऐसे में क्या कुछ कहना है यहाँ चित्रकला बनाने वाली युवती का, किस तरह से प्रतियोगिता में उसने हिस्सा लिया और कैसा उसे लगा यहाँ पर आने के बाद? आयोजन हुआ है, किस तरह से आपने चित्र बनाया, क्या दर्शाया है उसमें? मैंने रामायण की कहानी दर्शाया है, जिसमें सीता को अपहरण किया जाता है, रावण किस तरह लेके जाते हैं और हनुमान जी किस तरह बचाते हैं उनको, पर हो नहीं पाता है, काफ़ी टाइम हो जाता है और वो पुल बनाते हैं पत्थरों से, वो चीज़ मैंने दर्शाया है पेंटिंग में। और फिर सीता को लास्ट में धरती में समा जाती हैं। ऐसी बहुत सी ढेर सारी लंबी कहानी है, पर मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। और यहाँ पे बहुत अच्छा प्रतियोगिता हुआ है, कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। इससे पहले भी आप इस तरह की प्रतियोगिता में भाग लेती थी या ये पहला है आपका? ये पहली बार है मेरा, पर बहुत अच्छा लगा बना के मुझे। शाहिना बानो नाम है। संगम नगरी प्रयागराज के कल्याणी देवी क्षेत्र में आज जहां बिजली चोरी को लेकर सघन अभियान चलाया गया है। बता दें, एक तरफ बढ़ रही भीषण गर्मी तो दूसरी तरफ बिजली कटौती से एक तरफ उपभोक्ता परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ जहां लोग कटिया मारकर बिजली चोरी कर रहे हैं, और ऐसे में कई लोग तो घर में चोरी से एसी भी चला रहे हैं, जिसके कारण बिजली की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो वहीं कल्याणी देवी क्षेत्र में आज SDO, XCN और JEE के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें बड़े बकायेदारों की भी सूची निकाली गई और उनके कनेक्शन काटे गए, तो साथ ही कटिया मार रहे लोगों की भी चेकिंग के दौरान कटिया हटाई गई और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई के लिए मामला दर्ज कराया गया। बता दें, जहाँ बिजली चोरी और बकायेदारों की आज ये लाइट काटी गई है, ये एक बड़ा अभियान जहां आज कल्याणी देवी क्षेत्र में चलाया गया है बिजली विभाग के द्वारा। सामाजिक सेवा एवं शोध संस्थान ने नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत योग सप्ताह का आयोजन किया है। संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि शुक्ला ने कहा कि हमें योग अपने जीवन में लाना होगा, योग हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसका क्या लाभ है, ये सब जानकारी भी ज़रूरी है। वहीं आज पार्क में महिलाओं ने इकट्ठा होकर जहां योग किया, तो साथ ही एक दूसरे को
साथ संकल्प भी लिया कि हम हमेशा योग करेंगे और निरोग रहेंगे। ऐसे में लोगों को जागरूक करते हुए यहाँ पर समाज सेवी महिलाएं व बच्चे भी इकट्ठा हुए, जिन्होंने योगा किया और लोगों को संदेश दिया कि सभी करें योग, रहें निरोग। आज हम लोग सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम सभी जानते हैं कि 9वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है हमारे पूरे भारतवर्ष में। तो हम सब लोगों ने तय किया कि आज हम लोग ये जो 15 जून से लेकर 21 जून तक जो योग सप्ताह चल रहा है उसी के अंतर्गत हम लोग ने जागरूकता का अभियान किया और सारी नारी शक्ति ने मिल करके योगा दिवस के लिए, जागरूकता के लिए यह सप्ताह लोगों ने चयन किया और पूरे सप्ताह हम लोग ये जागरूकता करेंगे। योग में सबसे अच्छी विशेषता ये होती है कि हम स्वस्थ रहते हैं, इसमें निशुल्क रहते हैं, कोई पैसे की हमको नहीं होता है। और आजकल सरकारी गैर सरकारी पार्क कहीं भी जाइए तो कोई ना कोई एकत्रित हो जाता है और वो आपको योगा प्रशिक्षण कर देगा निःशुल्क, और आप फिर उनके द्वारा अनुकरण करिए कुछ दिन तक, फिर स्वइच्छा से योगा करिए। चाहे आप बंद कमरे में हों, अस्वस्थ हो, मैं तो कहती हूँ यहाँ तक कि आप बिस्तरे पे भी हो तब भी आप योगा करना ना छोड़िए। कहीं आपको अवसर मिले, अगर प्रातःकाल का समय है, सायंकाल का समय है, तो योगा अवश्य करिए, क्योंकि योगा आपको स्वस्थ रखेगा। यदि आप स्वस्थ हैं तो आप अच्छा श्रम कर सकते हैं, आप प्रसन्न रह सकते हैं, आस पड़ोस का जो वातावरण है वो आपको अच्छा लगेगा, इसलिए योगा अवश्य करें। मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला, सामाजिक सेवा एवं स्वास्थ्य संस्थान की मैं अध्यक्ष, सबको 9वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक के करीबी व उमेश पाल हत्याकांड के 5 लाख का आरोपी गुड्डू मुस्लिम के शॉप पर एक बार फिर से पीडीए ने की बड़ी कार्रवाई। गुड्डू मुस्लिम की चकिया स्थित चिकन शॉप पर पीडीए की बड़ी कार्रवाई, जहाँ फिर से गुड्डू मुस्लिम की चिकन और मटन शॉप खुलने की खबर पीडीए को लगी, जिसके बाद पीडीए ने यहां पहुंचकर सीलिंग की कार्रवाई कर दी है। यहां पहले पीडीए के द्वारा नोटिस चस्पा की गई थी, मगर फिर से शॉप खुलने की खबर लगने पर पीडीए ने यहां पर तत्काल सीलिंग की कार्रवाई की है और दोबारा दुकान खोलने के मामले में पीडीए ने एक नोटिस चस्पा करते हुए साथ ही टीम भी गठित कर दी है। अब देखना होगा इस पर किस तरह की आगे और कार्रवाई करता है पीडीए। फिलहाल 5 लाख का इनामी बमबाज गुड्डू मुस्लिम अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और फरार है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।